हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूपी के एग्जाम को और एसएनओ के एग्जाम को दोनों को नस्ते नाबूद करने के लिए अपनी तैयारी में जुट जाएगा, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में भी आग लगी हुई है सिलेक्शन नाम की, तुम्हारी भूख है भैया जी सरकारी कर्मचारी बनने की, तो रुकिएगा, झुकेगा, थकिएगा मत खुद को। हो भैया जी आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो रोजमर्रा जिंदगी की संघर्ष की भट्टी में खुद को जलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करने की कोशिश करते हो। और ध्यान रखिएगा, अरे मेहनत करेगा जो संघर्ष की भट्टी में, जितना ज्यादा खुद को जलाएगा उतना ही ज्यादा सफल इंसान बन करके दिखाएगा। तो रोजमर्रा जिंदगी की तरह आज भी मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। वादा कर रखा है कि किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में अपन नहीं रुकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में आपके सामने आते हैं तो वैसे ही आपके सामने जरूर देखने को मिलेंगे। चलेगा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा। समय में परिवर्तन है लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं रहेगा। और कंसेप्ट लॉजिक रैशनल तो ऐसा निकलेगा कि गूगल भी बोलेगा मैं भी आज हैंग हो गया हूं, ये मेरी गारंटी है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली छपने वाले हर क्वेश्चन को डील किया जाएगा, यह मेरा वादा रहेगा। ध्यान से देखिएगा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सेशन के टाइम में परिवर्तन है तो खूब सारे बच्चे सुबह सुबह इंतजार करके चले गए होंगे। अभी एक बार उन्हें अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि सिद्धार्थ सर आ चुके हैं आपकी क्लास को पूरे जोश जुनून से पागलपन के साथ लेने के लिए। आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, तुम्हारा जितना बड़ा आप बढ़ता हुआ आंकड़ा होगा उतना ही ज्यादा जोश जुनून कंसेप्ट में निकलेगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि विच इज ट्रू अबाउट द बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा कथन सही रहेगा, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा कथन सही रहेगा। डिस्टिल वाटर इज ए यूज एज डाइल्यूएंट, अरे साइट ऑफ इंजेक्शन क्लीन विद द स्प्रिट, मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव एट 6 वीक और WHO रिकमेंडेड डेनिश 1331 स्ट्रेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ए बी सी डी, कमेंट फास्ट। मैक्सिमम बच्चे डी की तरफ अपने रुझान दे रहे हैं। साढ़े सात बजे मिलेंगे 360 डिग्री सीरीज में, चिंता मत करो। 360 डिग्री सीरीज तो किसी भी हालत में नहीं रुक सकती। चलेगा, ध्यान रखिएगा बीसीजी के बारे में बोलें तो एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है जिसका मतलब देखने को मिलता है बेसिलस कालमेट गुरिन बोला जाता है। बेसिलस कालमेट गुरिन जो एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा सर ये ब्लडर कैंसर को भी रोकने में मदद करती है। इसके अलावा सर ये लेप्रोसी को रोकने में भी मदद करती है। और ध्यान रखिएगा टीबी में कौन सी टीबी, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को रोकने की कोशिश करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी डोज कितना होता है तो 0.05 ml, इंट्राडर्मल दोगे 8 बर्थ। और ध्यान रखिएगा वरना डोज होता है 0.1 ml, कभी भी पूछ लिया जाए। ध्यान रखिएगा ये कहां दिया जाता है तो आपको जवाब देना है लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। अरे कहां दोगे मेरे दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म पे लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों लगाते हो, यूनिफॉर्मिटी के लिए। सर इसका डिजोल किसके साथ में करते हो, तो याद रखिएगा नॉर्मल सलाइन के साथ में। डिजोल किसके साथ में करोगे, तो सर नॉर्मल सलाइन के साथ डिजोल किया जाता है। डिजोल करने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर काम में लेना, अन्यथा इसको डिस्कार्ड कर दो। 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसे काम में लेना, अन्यथा इसे डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बीसीजी का स्ट्रेन क्या देखने को मिलता है, तो बीसीजी का स्ट्रेन होता है बेटा डेनिश, अरे डेनिश 1331 नाम का स्ट्रेन होता है। एकमात्र वैक्सीन जो लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ देगी, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ ले लाइफ लॉन्ग स्कार वाली वैक्सीन कौन सी है, यही है। सर इसके कारण मरीज में पस्ट्यूल का फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है, अरे मरीज में पस्ट्यूल कब बन जाता है, 2 से 4 वीक में बन जाता है। मरीज में परमानेंट स्कार कब बन जाएगा, परमानेंट, अरे मरीज में परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन कब हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा 6 से 12 वीक में देखने को मिलता है। और भैया जी ध्यान रखिएगा मरीज के अंदर परमानेंट स्कार के बाद बात कर लेते हैं मॉन्टेक्स पॉजिटिव कब आ जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव कब आता है, तो ध्यान रखिएगा 8 से 14 वीक के बाद देखने को मिलता है। यह बीसीजी के लिए सारी की सारी जानकारियां देखने को मिलती है। बीसीजी का वैक्सीन होता है सर ये ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करता है, लेप्रोसी से करता है। इसको कौन सी सिरिंज से लगाया जाता है, तो याद रखिएगा ओमेगा स्टेट सिरिंज से। अरे कौन सी सिरिंज काम में ली जाती है, ओमेगा स्टेट सिरिंज, जिसका गोज या कैलिब्रेशन होता है 26 गोज की, जिसे आप दूसरा नाम बोल सकते हो ट्यूबरकुलिन सिरिंज, अरे जिसे आप ट्यूबरकुलिन सिरिंज के नाम से भी जान सकते हो, वेरी
इंपॉर्टेंट चीज है। यह आपको संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलती है बीसीजी के लिए। बीसीजी कब तक लगाना है? एक साल तक ही लगाना है। क्या बात है, बहुत शानदार। एक बच्चे के बहुत अच्छी डीपी नजर आ रही है, क्या बात है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, अगर मैं बोल दूं बीसीजी कब तक लगाना है तो बिना कोई मोनटेक्स के एक साल तक लगाना है। उसके बाद लगाओगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बीसीटी। इनडायरेक्ट बीसीजी का मतलब पहले मोनटेक्स करो, मोनटेक्स अगर नेगेटिव आ जाता है तो लगा दो, अन्यथा नहीं लगाते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कभी भी लाइव वैक्सीन लगाने से पहले साइट को स्प्रिट के साथ क्लीन नहीं करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ नहीं करना है, तो किससे माध्यम से किया जाएगा? तो जवाब देना है, सिर्फ उसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन ही काम में लेनी है, अन्यथा कुछ दूसरा काम में नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, आपके लिए सही जवाब क्या देखने को मिलेगा, तो आपको वापस से चलना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में। नहीं राजेश बेटा, तेरी नहीं है, मेरी है। चलो याद रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलेगी बीसीजी के लिए। अरे डिस्टिल वाटर वाला कंसेप्ट पहला गलत हो गया, साइट इंजेक्शन क्लीन गलत हो गया, छह वीक नहीं होगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? डी देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? डी देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? हाँ समझ में आ गया सब बच्चों को। हाँ, एक हंसता मुस्कुराता इनोसेंट सा मासूम सा चेहरा। क्वेश्चन ने पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसेटिव टू हीट। हीट से सबसे ज्यादा सेंसेटिव वैक्सीन का क्या नाम होगा? तो मैंने कल लिखवाया था कि एक तरफ मैंने लिखा था आईएलआर में आपका हीट सेंसेटिव, वो वैक्सीन जो तापमान से खराब हो जाती है वो वाली, और दूसरी साइड में लिखा था हीट रेजिस्टेंस, यानी जिसका धूप कुछ भी नहीं कर पाएगी, रेजिस्टेंस। एक साइड में होगी हीट सेंसिटिव और दूसरी साइड में होगी हीट रेजिस्टेंस। अगर बात करते हैं तो यहां मैंने लाइन लिखी थी, वो क्या थी? ओए मे बी, अरे ओए मे बी पीएचडी था, ओए मे बी पीएचडी था, ये वाली लाइन मैंने आपके सामने लिखी थी। सबसे ज्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है ओपीवी और हीट रेजिस्टेंस होती है टीटी। ये दो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आती है। अरे ये लाइन दो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आती है, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गई ओपीवी, जिसको आप सेबिन बोलते हो, अरे जिसे आप क्या बोल सकते हो, सेबिन। और दूसरा देखने को मिलता है भैया जी टिटनस। अरे दूसरा क्या देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा टिटनस वाली वैक्सीन। और टिटनस वाली वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताया था ब्रेकियल न्यूराइटिस और ओपीवी के लिए। ओपीवी थर्ड वेरिएंट को अपन ने बताया था वेब वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बीसीजी होगी, नहीं होगी, पोलियो होगी। जी हाँ सर, पोलियो ही होगी। राइट आंसर सी जाएगा, टाइफॉइड नहीं है, पर्टूसिस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? सी देखने को मिलेगा। आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। इसका मतलब अब आप टाइम के मोहताज हो या क्लास के, कमेंट बॉक्स में जितना बड़ा आंकड़ा होगा इसका मतलब मैं कभी भी आऊं आप तैयार मिलोगे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखने को मिलेगा, धमाकेदार तरीके से देखें, पहचाने परखें और फिर जवाब दें। क्लास के तो फटाक से आंकड़ा बढ़ना चाहिए, क्लियर है। बहुत ज्यादा परिस्थितियां चेंज होती है तो क्लास का शेड्यूल चेंज किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। आपको पता ही है कि पिछले दो ढाई साल में अपन ज्यादातर 99.99% क्लासें अपनी मॉर्निंग में 9 या 9:30 बजे ही ली गई है, और फिर से वापस से वही टाइम कैरी ऑन होगा। एक दो चार दिन अपन टाइम को थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन क्लास को कैंसिल नहीं करेंगे, क्लियर है। खाना लेट सेट खा सकते हैं लेकिन भूखे नहीं रहेंगे, पढ़ाई लेट सेट कर सकते हैं लेकिन करेंगे जरूर। 360 डिग्री लेट सेट आ सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए नहीं। क्या देखने को मिलेगा? अभी बताया था कि व्हाट रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टिटनस। टिटनस की वैक्सीन के कारण क्या होगा? फिब्राइल सीजर होगा, ब्रेकियल न्यूराइटिस होगा, हाइपोटोनिक होगा या एनसिफेलोपैथी होगा। तो मैंने बताया था टिटनस की वैक्सीन के लिए आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में टीडी कर दिया। प्रेगनेंसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी में टिटनस का क्या कंसेप्ट है, तो सबसे पहला लगता है सर एज सून एज पॉसिबल। अरे कैसे लगेगा एज सून एज पॉसिबल, उसे पहला वैक्सीन लगाओ।
एज सून एज पहला वैक्सीन लगाओ, उसके बाद में क्या करो, चार वीक के बाद, या इसी चीज को बोल सकते हो 28 दिन बोल दो, या इसी का तीसरा नाम बोल दो वन मंथ, या इसी का तीसरा नाम क्या बोल दोगे वन मंथ बोल दोगे, उसके बाद इसका सेकेंड डोज लगाया जाता है। पहले टीटी था, आजकल टीडी कर दिया, टीडी का सेकेंड डोज। अगर ध्यान रखिएगा, इफ गैप है गैप लेस देन थ्री ईयर इन बिटवीन द टू चाइल्ड देन वन डोज इज रिक्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्या बोल दे, इफ गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसी इज लेस देन थ्री ईयर देन ओनली वन डोज रिक्वायर, तो फिर आपको एक ही डोज की आवश्यकता होगी, दो डोज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको एक ही डोज की आवश्यकता रहेगी, दो डोज की आवश्यकता नहीं देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके कारण मैंने बताया था क्या हो जाएगा, ब्रेकियल न्यूराइटिस, करेक्ट आंसर बी चला जाएगा। फिब्राइल सीजर, हाइपोटोनिया, एनसेफेलोपैथी बिल्कुल नहीं होता है, चलेगा। अगर बात करते हैं कि ये ब्रेकियल न्यूराइटिस का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूराइटिस शब्द आता है भैया जी, अरे न्यूराइटिस शब्द आता है इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व के लिए। किसके लिए देखने को मिलता है, शब्द आता है इन्फ्लामेशन, किसके लिए देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, किसके लिए देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाना न्यूराइटिस कहलाता है। और कौन सी नर्व, तो ब्रेकियल, यानी ब्रेकियल से निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल से निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस। हमारे शरीर में पांच प्लेक्सस होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस, थोरेसिक प्लेक्सस, अरे उसके बाद में लंबार, सैक्रल और कोकिक जेल, ये पांच प्लेक्सस होते हैं थोरेसिक। अरे ध्यान रखिएगा, हाँ टीडी का मतलब टिटनस और डिप्थीरिया, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, कौन सा प्लेक्सस नहीं होता है, तो थोरेसिक प्लेक्सस नहीं होता है। अरे भैया जी सर्वाइकल होगा, ब्रेकियल होगा, लंबार होगा, सैक्रल कोकिक जेल होगा, विच विच प्लेक्सस इज नॉट प्रेजेंट, तो थोरेसिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व कहां से निकलती है, तो भैया जी C5 से लेकर के T1 के बीच में जो नर्व का गुच्छा निकलेगा वो सर्वाइकल प्लेक्सस होगा, और इससे निकलने वाली चार क्रेनियल नर्व होती है, और चारों का नाम होता है रामू। अरे चारों का नाम क्या लिखोगे, रामू देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और रामू राम जी की फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगी, तो आर, आर का मतलब होता है रेडियल, आर का मतलब क्या देखने को मिलता है सर, आर का मतलब रेडियल, ए का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो ए का मतलब एक्सिलरी, ए का मतलब एक्सिलरी, नो डाउट एक्सिलरी हाथों को सप्लाई करेगी, हाँ सर। एम का मतलब क्या देखने को मिलता है सर, एम का मतलब होता है मीडियल, एम का मतलब क्या देखने को मिलता है, मीडियल देखने को मिलता है। और यू का मतलब क्या देखने को मिलता है, अल्नार देखने को मिलता है, और यू का मतलब क्या देखने को मिलता है, अल्नार देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक साइड में लिख दिया, रेडियल है, एक्सिलरी है, मीडियल है, अल्नार है, रेडियल एक्सिलरी मीडियल अल्नार वाली कंडीशन देखने को मिलती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या कहलाती है, रामू कहलाती है। और जब आप में मरीज को टिटनस लगाया, टिटनस के कारण जब रामू राम जी रूठ गए तो मरीज के हाथों के फंक्शन डैमेज हो गए, इसमें क्या हो सकती है कि सर, एक तो ब्रेकियल प्लेक्सस में कंप्लीट इंजरी हो सकती है, एक तो इंजरी कौन सी होती है सर, कंप्लीट इंजरी होती है, और कंप्लीट इंजरी होती है तो ऑल फंक्शन डिस्टर्ब, हाथों हाथ, अरे क्या देखने को मिलते हैं, ऑल फंक्शन डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं, ऑल फंक्शन डिस्टर्ब्ड देखने को मिलेंगे, यानी पूरे के पूरे रेडियली, एक्सिलरी, मीडियल और अल्नार चारों के फंक्शन काम नहीं करते हैं। वही दूसरी साइड में इसी की पार्शियल या इनकंप्लीट इंजरी बोला जाता है, इनकंप्लीट इंजरी क्या देखने को मिलती है, इनकंप्लीट इंजरी में आपने नाम सुना होगा अर्ब पाल्सी, कंपेल्ड पाल्सी, आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम ही तो जोश जुनून पागलपन हो जो हर समय बोलते हैं कि नहीं सर नहीं रुकना है, अरे जब तुम रुकते हो तो मैं बोल देता हूं और जब तुम बोल देते हो तो मैं नहीं रुकता हूं। ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है, नाम आता है अर्ब पाल्सी, नाम क्या देखने को मिलता है अर्ब पाल्सी, पाल्सी का मतलब उसके फंक्शन रुक जाना। दूसरा देखने को मिलता है जिसे बोलते हो कंपेल का पाल्सी, अरे दूसरे को बोला जाता है कंपेल का पाल्सी। यहां देखने को मिलता है मेरे दोस्तों C5 और C6 में इंजरी होने के कारण, यहां बोल सकते हो C7, C8 और T1 में इंजरी होने के कारण देखने को मिलता है, जहां का बनता है क्लो हैंड बनता है, अरे क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, क्लो हैंड देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अर्ब पाल्सी को ही क्या बोला जाता है, वेटर हैंड, अरे क्या बोल दोगे,
वेटर हैंड पालसी बोल दो, अरे पुलिसमैन हैंड सिंड्रोम बोल दो, क्या बोल दो, पुलिसमैन हैंड सिंड्रोम बोल दो, वेटर टिप पालसी बोल दो, ऐसी पालसी देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रही है एक एक कंसेप्ट को कि किस प्रकार से देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्लो, अरे क्लो के लिए सिंगम मूवी देखी होगी, आटा माजी सटकली, अरे सर राइटिंग बहुत प्यारी है गुरुजी आपकी, थैंक यू सो मच, ऐसी तारीफ कर देना दो चार बार, तो मैं तो यूं ही कंसेप्ट दो चार ज्यादा ही खोलूंगा, वैसे भी गूगल को हैंग कराने की कोशिश करता हूं लेकिन अब तो और जोश आ गया, क्लियर है, चलेगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, कम से कम एटलीस्ट वैसा लिखना चाहिए जैसा कोई पढ़ सके, अच्छी या बुरी का अपना कोई कंसेप्ट नहीं है, मेरा कंसेप्ट यही रहता है कि कम से कम एटलीस्ट ऐसा तो लिखूं कि कोई स्क्रीनशॉट ले, कोई पढ़े, आज नहीं आज से कुछ समय बाद पढ़े तो भी कम से कम वो हो महसूस तो कर पाएगा कि क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे गुरुदेव ने क्या लिखा है, नहीं तो कई लोग तो यूं कर देते हैं उसको तो झूं कुछ समझ में खुद को ही नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलेगा। ध्यान रखिएगा तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलता है, ब्रेकियल न्यूराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा ये वाला, पूजा बोल रही है आपको नजर बहुत लगती होगी, बिल्कुल नहीं लगती है, चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ फोटो में देखा होगा आप लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से पहचान है, परखे फिर जवाब दें, इनको पूछो, चलो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रेडीमेंट एंटीबॉडी इज द क्रिएटेड, अरे किसी को रेडीमेंट एंटीबॉडी लगा करके कैसे इम्यूनिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो एक टॉपिक आता है जिसे बोला जाता है इम्यूनिटी, अरे ध्यान रखिएगा एक टॉपिक आता है जिसे क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, या इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एनी टाइप ऑफ ए डिजीज, या इट इज ए रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब ध्यान रखिएगा एक नाम आता है जिसे बोला जाता है एंटीजन, एंटीजन का मतलब एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू द बॉडी एंड स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आकर के हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे वो तो होता है एंटीजन, और उसके खिलाफ दिया गया रेस्पॉन्स क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है, उसके खिलाफ दिया गया रेस्पॉन्स क्या कहलाता है, एंटीबॉडीज कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इम्यूनिटी का बनना मतलब क्या है, एंटीबॉडी का बनना, एंटीजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल का आना, फॉरेन पार्टिकल का आकर के स्टिमुलेट करना एंटीजन है, उसके खिलाफ रेस्पॉन्ड करोगे एंटीबॉडी है, अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा है तो भयंकर रेस्पॉन्ड करोगे, ताकत कमजोर है तो करोगे ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि तुमने खींच के तुम्हारे रूम पार्टनर को एक थप्पड़ मारा, अरे तुमने खींच के तुम्हारे रूम पार्टनर को एक थप्पड़ मारा और रूम पार्टनर दो मारे, इसका मतलब इम्यूनिटी ज्यादा है, क्लियर है, और अगर तुमने एक थप्पड़ मारा उसने गाल मसल के बैठ गया कुछ नहीं किया, इसका मतलब समझ लेना वो तुमसे कमजोर है, इसका मतलब समझ लेना कि वो तुमसे क्या देखने को मिल रहा है, कमजोर। तो एक एंटीजन का मतलब आना, स्टिमुलेट करना, एंटीबॉडी का मतलब होता है सामने वाले के खिलाफ रेस्पॉन्ड करना, क्या करना, सामने वाले के खिलाफ रेस्पॉन्ड करना, चलेगा। ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, जहां क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अरे ध्यान रखिएगा अगर बात करते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है इस चीज को महसूस कीजिएगा, अरे इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है इस चीज को महसूस कीजिएगा, एक इम्यूनिटी होती है जिसे अपन बोलते हैं इनेट, अरे एक इम्यूनिटी होती है जिसे क्या बोला जाता है, इनेट बोला जाता है, और दूसरी कौन सी देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल बोला जाता है, और दूसरी कौन सी देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, इसमें है जिसे कि किसी भी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, अरे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की इम्यूनिटी इंडियन ये कहलाएगी, स्पेसीज के अंदर अलग होती है, अरे ध्यान रखिएगा कहीं रेशियल में अलग देखने को मिलती है, स्पेशल रेशियल वाले लोगों में बोल दो, स्पेशल स्पेसीज में बोल दो, इंडिविजुअल में बोल दो, ये सारी की सारी क्या देखने को मिलती है, इनेट होती है, जन्मजात देखने को मिलती है। वहीं पे आर्टिफिशियल का मतलब बाहर से, आर्टिफिशियल का मतलब क्या देखने को मिलता है, सॉरी आर्टिफिशियल से पहले लिखो एक्वायर्ड, अरे क्या लिखोगे, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वायर्ड का मतलब यहां क्या देखने को मिलता है, प्राप्त करना। और इम्यूनिटी को प्राप्त किया जाता है दो प्रकार से, एक तो करते हैं एक्टिव, एक्टिव का मतलब शरीर मेहनत करके एंटीबॉडी बनाएगा, और दूसरा पैसिव, पैसिव का मतलब शरीर पड़ा पड़ा बना लेगा। ध्यान रखिएगा एक्टिव का मतलब शरीर मेहनत करेगा और पैसिव का मतलब शरीर मेहनत नहीं करेगा। चलेगा, कौन से बच्चे को क्या रिप्लाई चाहिए, बेटा वापस पूछ, तू जल्दी से पूछ, धड़ाधड़ पूछ, तेरा जवाब हाथों हाथ देंगे। अब एक्टिव का मतलब शरीर मेहनत करेगा, तो मेहनत भी दो प्रकार से करेगा, एंटीजन है। अब इसमें हमेशा कौन आता है, तो ध्यान रख लेना एक्टिव में हमेशा याद रखना, एक्टिव का मतलब एंटीजन आएगा,
अरे एक्टिव का मतलब हमेशा एंटीजन आएगा और पैसिव का मतलब हमेशा कौन देखने को मिलती है, एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। अरे इसका मतलब हमेशा क्या देखने को मिलती है, एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिव के अंदर एंटीजन आ रहा है। एंटीजन दो प्रकार से आता है, एक तो आता है नेचुरल प्राकृतिक, अरे एक तो कैसे देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा क्या देखने को मिलता है, दूसरा आर्टिफिशियल देखने को मिलता है। अरे दूसरा क्या देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक में द्वेष और दुनिया में पाई गई तमाम बीमारियां। अरे गेमिंग फ्री फ्री फ्री, तेरा नाम ही गेम है बेटा, क्या रिप्लाई दूं, तेरा क्वेश्चन तो कुछ है नहीं सर जी, रिप्लाई नहीं करते। इधर भी क्या देखने को मिलेगा, एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि इसमें एंटीजन आना है, और एंटीजन का मतलब एनी फॉरेन पार्टिकल कम इन टू द बॉडी। सर ऐप से बुक कैसे परचेज करें, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, कोष्टक में बुकशाला ऑप्शन है, बुकशाला पे ए बैक ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जो कोर्स की किताब लेनी है उसको वाई नाउ करके घर का एड्रेस भर दे आ जाएगी, चलेगा। ध्यान रखिएगा, एंटीजन आ रहा है तो अपने आप एंटीजन मांगा मतलब क्या देखने को मिलेगा, ओल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ओल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन। देश और दुनिया में पाए गए तमाम इन्फेक्शन किस में आते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आते हैं। रटने वाले रटेंगे, मीजल्स आएगा, मम्स आएगा, रूबेला आएगा, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा इतिहास रचेगा। देश और दुनिया में कोई बीमारी हो तो समझ लेना अपने आप ही मैंने मंगवाई नहीं बोले तो नेचुरल आया, कौन एंटीजन आया बोले तो एक्टिव, और एक्टिव के बाद में कैसे हुआ प्राप्त किया तो आर्टिफिशियल, ऐसे जवाब देना है। अब आर्टिफिशियल कैसे लगाई, आर्टिफिशियल का मतलब देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। ध्यान रखिएगा, अरे देश और दुनिया में आने वाली सभी वैक्सीन अपने आप आती है या मंगवाई, मंगवाई, अरे मंगवाई या नहीं मंगवाई, मंगवाई। आर्टिफिशियल नकली है या असली, नकली है, चलेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, देश और दुनिया में आने वाली तमाम वैक्सीन जाती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। या तो दोनों जगह एंटीजन एंटीजन की बात कर ली, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन कौन सा है, पैसिव। अरे कौन सा देखने को मिलेगा, पैसिव, और पैसिव का मतलब शरीर मेहनत करेगा क्या नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि सर इसमें तो एंटीबॉडी आ रही है। अरे अपने आप नेचुरल एंटीबॉडी देने वाली एकमात्र शख्सियत का नाम है मां। अरे मां अपने प्लेसेंटा को क्रॉस करा करके बच्चे को आईजीजी देती है, अरे आईजीए देती है, या पूरी की पूरी गामडे देती है। मां से बच्चे में जाने वाली इम्यूनिटी होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और यहां देखने को मिलती है मार्केट से खरीदी गई रेडीमेड एंटीबॉडी। मार्केट से खरीदी गई रेडीमेड एंटीबॉडी किसका एग्जांपल होता है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप देखने को मिलता है कौन सा, ये। इसके अलावा मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एंटी सीरा, अरे नाम सुना होगा, इसके अलावा सभी नामों का मतलब सेम ही है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये सारे के सारे नामों को जिक्र में ध्यान रखिएगा बिना किसी फिक्र के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देश और दुनिया का तमाम इन्फेक्शन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जाएगा, अरे आर्टिफिशियल में कौन जाएगा, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन जाएगी। पैसिव के नेचुरल में कौन जाएगी, मां वाली जाएगी, और आर्टिफिशियल वाली कौन सी देखने को मिलेगी, मार्केट वाली। तो आप जवाब दो क्वेश्चन का, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अरे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रेडीमेड बाजार से लाए हैं, अपने आप नहीं आई है, अपने आप नहीं आई तो नेचुरल नहीं, कौन सी होगी, आर्टिफिशियल होगी। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, एंटीबॉडी आई या एंटीजन, एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी आई तो पैसिव जाएगा, तो ढूंढो पैसिव नेचुरल, नहीं सर पैसिव नेचुरल नहीं है, पैसिव नेचुरल में कौन सी जाती है, मां वाली जाती है, बहुत बढ़िया, उड़ा दो। एक्टिव नेचुरल में कौन सी जाती है, देश और दुनिया का इंफेक्शन जाता है, उड़ा दो। पैसिव एक्वायर्ड जाएगा, जरूर जाएगा, राइट आंसर बी होगा, और ए हो गया एक्टिव एक्वायर्ड में कौन सी जाएगी, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन जाती है, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीन किस में जाती है, तो ए में जाती है। बोलो भगत और भगवान की जय। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, बी। रटने वाले रटते रह जाएंगे, मेरे गूगल स्टूडेंट इतिहास रच के दिखा देंगे। अरे वो कहते हैं ना, जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, अरे जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, अरे खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं सीसा हूं टूट करके खनक छोड़ जाऊंगा। तो पड़ोसी को बोला या नहीं बोला, नहीं बोला तो बोल देना कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा ये वाला, रुकना झुकना थकना बिल्कुल नहीं है, और अच्छे से बेहतर से बेहतरीन की तरफ कदम बढ़ाना है, और अपना अच्छा जवाब देते रहना है। गेमिंग तेरा बेटा जवाब कोई नहीं है, वो कहता है ना, ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, तेरी जैसी डूबी कश्ती का बस एक भगवान सहारा होता है। चेहरे पर मंद मंद मुस्कनिया रखो,
इतने ज्यादा हंसते मुस्कुराते रहो कि दुनिया सोच सोच के मर जानी चाहिए कि इससे खुशी किस बात की है। डिड्स, आप सब लोगों का धमाकेदार जवाब आ गया डिड्स, बोले तो बी फोर बॉय, बी फोर बैचलर, बी फोर बॉय चलेगा। लॉजिकल सीक्वेंस, इंपेयरमेंट ना ना ना, डिजीज इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप, वेरी गुड एक्यूरेट धमाकेदार, राइट आंसर बी। अरे ए सी डी नहीं होगा, चलो समझना शुरू करते हैं। पहला नाम लिखा है डिजीज, डिजीज का मतलब होता है किसी भी इंसिडेंस का पाया जाना, इंसिडेंस का पाया जाना या किसी भी इवेंट का हो जाना। इवेंट का मतलब मुद्दा बोल दो, इंसिडेंस का मतलब घटना बोल दो। डिजीज के बाद व्यक्ति में आती है कमी, बोले तो इंपेयरमेंट बोला जाता है। क्या देखने को मिलता है, कमी, बोले तो इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मतलब को बोल सकते हो कमी बोल दो मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं तो डेफिशिएंसी बोल दो। अरे क्या बोल दो, डेफिशिएंसी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंपेयरमेंट को कमी या डेफिशिएंसी बोल दो। और कमी के बाद में भी न रुक पाओगे तो कमी के बाद आएगी कमी, बोले तो डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब अनेबल टू डू रूटीन वर्क। अरे ध्यान रखिएगा, क्या बोल सकते हो, अनएबल। और लास्ट में क्या हो जाता है सर, लास्ट में व्यक्ति हो जाता है हैंडीकैप। और हैंडीकैप कब बोला जाता है, जब उसका क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट अपॉन द लाइफ। ध्यान रखिएगा, इफेक्ट अपॉन लाइफ, जीवन जीने में दुर्बलता आ जाती है तो बोला जाता है हैंडीकैप। बहुत आसान लैंग्वेज के, आसान शब्दों के, आसान भावों में समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी मन की सारी आशाएं पूरी हो जाए। सबसे पहले मैंने लिखा है मेरे तो प्यारे दोस्तों डिजीज, डिजीज का मतलब किसी भी बीमारी का होना, किसी भी घटना का होना, किसी भी दुर्घटना का होना, किसी भी विचलितपन का होना, किसी भी अचानक से चीज का पाया जाना। यानी मान लीजिएगा किसी पापा के परे के पास किसी पापा की परी का फोन आया और भैया जी ये उसने बोल दिया कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, अरे हाँ सपने संजा के लाऊं, पता नहीं कौन कौन सा, या वो वाला गाना गा रही थी कि पड़ोसन ले गई, जो भी गा रही थी कुछ गाना गाया तो बेचारे ने बोला कि आया आया पांच मिनट में आया, अरे वो पांच मिनट से उससे मिलने के लिए निकल पड़ा है और बड़ी तेजी की स्पीड से जा रहा था, बीच सड़क में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना एक डिजीज है, बोले तो इंसिडेंट है, इवेंट है। कार का एक्सीडेंट हो जाना, बाइक का एक्सीडेंट हो जाना, क्या देखने को मिलता है चलेगा, ध्यान रखिएगा, अरे क्या देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। और डिजीज के कारण उसके पैर टूट गया और पैर टूट जाना एक इंपेयरमेंट है भैया जी, अरे टीबिया फ्रैक्चर हो गई हुई, टीबिया हो गई, पटेला हो गई भैया जी, या मेरे दोस्तों रेडियस अल्ना जो भी हुई, कोई ना कोई देखने को मिल रही है चलेगा, कोई ना कोई क्या देखने को मिलता, हां तेरे वास्ते फलक से चांद तारे लाऊं या सात सिंदारे लाऊं, पता नहीं क्या लाऊं। पापा का परा गया, टांग टूट गई, फ्रैक्चर का पाया जाना डेफिशिएंसी, डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया, अरे डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया तो डिसेबिलिटी क्या होती है, टेम्परेली होती है, अरे उसके कारण अब अनेबल टू डू रूटीन वर्क हो गया। यानी पहले तो भैया जी चांद तारे तोड़ के ला रहा था और आजकल तो छत पे सुखाए गए कपड़े भी नहीं ला सकता क्योंकि पैर में प्लास्टर हो गया, अरे छत पे सुखाए गए कपड़े भी नहीं ला सकता क्योंकि पैर में प्लास्टर हो गया, लेकिन अगर भगवान ना करे उस पैर को काटना पड़ा तो उसके जीवन जीने में दुर्बलता आ जाएगी तो हैंडीकैप कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी मरीज के पैर के प्लास्टर का हो जाना या पैर का कुछ टेम्परेली कारण रुक जाना, ये वाली चीज कहलाती है डिसेबिलिटी और जिंदगी भर के लिए असर हो जाना हैंडीकैप। हैंडीकैप इज ऑलवेज परमानेंट, हाँ हैंडीकैप हमेशा क्या, एक बच्ची बड़ी मुस्कुरा करके बोल रही है कि पापा का परा हैंडीकैप हो गया, अरे हुआ तो पापा की परी के पीछे है ना, उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। हाँ बहुत बढ़िया, रवि ने सही लिखा है कि परफ्यूम लगा के चुन्नी में चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हैंडीकैप इज ऑलवेज परमानेंट एंड डिसेबिलिटी इज ऑलवेज टेम्परेली, ये वाली चीजें देखने को मिलती है। तो किसी भी व्यक्ति का चश्मा लगा करके वो क्या कर रहा है, डिसेबिलिटी लिमिट कर रहा है, चश्मे को उतार दिया, धुंधला धुंधला नजर आता है भैया जी, ध्यान रखिएगा, चश्मे को लगा दिया एकदम क्लियर स्क्रीन टच नजर आता है, मजा आ गया, ये वाली चीज लॉजिकल सीक्वेंस कहलाएगा और राइट आंसर क्या जाएगा, बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें, पहचाने परखें और फिर जवाब दें, क्लियर है, और कोशिश करें कि किसी को हैंडीकैप ना करें, खुद से वादा करें कि ऐसा काम ना करें कि कोई हैंडीकैप हो जाए।
बहुत बढ़िया, सभी प्यारे विद्यार्थियों का ए जवाब आ रहा है। देखते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन इज द नॉन एज। ध्यान रखिएगा, एक नाम होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक नाम आता है सबसे पहला प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम आता है? एक आता है प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल के बाद नाम आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलेगा, प्राइमरी के बाद नाम देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और लास्ट में देखने को मिलता है टर्सरी। अरे क्या देखने को मिलता है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ध्यान से सुने, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। प्रीमोर्डियल का मतलब सर इसमें डिजीज क्या है? तो जवाब देना अब्सेंट है। सर इसमें कोजेटिव एजेंट क्या है? तो आपका जवाब आना चाहिए अब्सेंट है। और इसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर क्या है? तो आपका जवाब आना चाहिए अब्सेंट है। ध्यान रखिएगा, डिजीज, कोजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर तीनों ही चीजें अब्सेंट है, तीनों ही चीजें अब्सेंट है। तो फिर हम किसको रोकेंगे? टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है रिस्क फैक्टर को आने से रोकना। टारगेट क्या है? रिस्क फैक्टर को आने से रोकना। और रोकने के लिए आपका मोड ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलता है? तो जवाब देना है हेल्थ एजुकेशन। बहुत आसान लैंग्वेज में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब यह देखने को मिलता है कि मरीज में ना तो बीमारी है, ना बीमारी पैदा करने वाला है, ना बीमारी बढ़ावा देने वाला है। तो फिर हमारा टारगेट क्या देखने को मिलता है? चलेगा, फ्री फायर को स्वाहा करो, कोई बात नहीं है, फायर भी फ्री में कर रहा है, यानी उसकी खुद की कीमत ही नहीं है कुछ भी। चलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां दूसरा लिख दिया टारगेट है रिस्क फैक्टर को आने से रोकना, और क्या है? मोड ऑफ एक्शन होगा हेल्थ एजुकेशन देंगे। दूसरे नंबर पे लिख दिया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या लिख दिया? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन लिख दिया। और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या डिजीज मौजूद है? नहीं सर, डिजीज अभी भी अब्सेंट है। अरे क्या इसमें रिस्क फैक्टर मौजूद है? तो आपको बोलना है हाँ इस बार रिस्क फैक्टर है। तो तुम्हारा टारगेट क्या है? टारगेट है डिजीज को आने से रोकना। अरे टारगेट क्या देखने को मिलता है? डिजीज को आने से रोकना टारगेट है। और ऐसा काम करोगे कैसे? मोड ऑफ एक्शन तो ध्यान रखिएगा, एक तो हेल्थ एजुकेशन देंगे और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूछे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। वो कहते हैं ना, जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। यहां मैंने क्या बोल दिया कि मरीज में डिजीज भी अब्सेंट है और रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है। अरे डिजीज अब्सेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर बीमारी को बढ़ावा देने वाला कारक मौजूद है। हमारा टारगेट रहेगा कि आने वाली परिस्थितियों को रोको, यानी बीमारी को रोको। और रोकने के लिए मोड ऑफ एक्शन में एक तो हेल्थ एजुकेशन देंगे जो होल बॉडी के लिए लागू होता है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है ढंग से नहाओ, ढंग से धो भैया जी, टूथब्रश करो, अरे भैया जी टाइम से ब्रथिंग करना, वॉशिंग करना, न्यूट्रिशन लेना, गुड एनवायरमेंट में रहना, हाइजीन मेंटेन करके दिखाना, हैंड वॉशिंग करके दिखाना। ऑल दीज आर कंपोनेंट टाइप ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। क्लियर है? दूसरे नंबर पे अपन ने बोल दिया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब उसी चीज को रोको, जैसे कि कीमो प्रोफाइलेक्सिस, जैसे कि नाम आता है कीमो प्रोफाइलेक्सिस या लोल दो प्रोफाई। अरे प्रोफाइलेक्सिस ज्यादा पूछा जाता है, या मेरे दोस्तों बोल दो कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव बोल दो, या बोल दो पीपी किट के बारे में, पीपीई किट के बारे में, या बोल दो इम्यूनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये सारे के सारी चीजें क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या बोलोगे? कोजेटिव एजेंट क्या है? तो प्रेजेंट है। अरे भैया जी रिस्क फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है। और भैया जी डिजीज भी क्या है? प्रेजेंट है। सब कुछ प्रेजेंट हो चुका है। तो आपका टारगेट क्या है? तो सर टारगेट है डिजीज को इनिशियल फेज में रोकना। टारगेट क्या देखने को मिलता है? डिजीज को कंट्रोल करना। अरे क्या करना है? डिजीज को कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशन को रोकना। और किसको रोकना? कॉम्प्लिकेशन को रोकना। ध्यान रखिएगा, अरे जो चीज आ जाती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो नहीं आया उसे रोका जा सकता है। तो डिजीज को तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे? आने से ही रोकेंगे। कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे? आने से रोकने की कोशिश करेंगे। और इसके आपके मोड ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलते हैं? अरे इस चीज के मोड ऑफ एक्शन कैसे रोकोगे? तो ध्यान रखिएगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। रोकने का तरीका क्या देखने को मिलता है? ईडी अर्ली डायरोक्सी है, अर्ली डायग्नोसिस है, नॉट ए इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, निकम्मे इंसान, गलत फहमियों के पुतलों। ध्यान रख लेना, ईडी का मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी करो। इसमें देश और दुनिया की ओल्ड डायग्नोसिस आते हैं, ध्यान रखिएगा। देश और दुनिया में बीपी चेक करने से लेकर के कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने तक की सारी जांचें इसी में आती है। और दूसरा देखने को मिलता है पीटी। पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं है, पीटी का मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। मरीज को पैरासिटामोल की गोली से दे रहे करके दुनिया का सभी इलाज करना किसमें आता है? सेकेंडरी लेवल में।
एकमात्र ऑपरेशन आता है जिसे बोला जाता है मोतियाबिंद, अरे बोले तो कैटरेक्ट ही सर्जी, एकमात्र ऑपरेशन आएगा कैटरेक्ट वाला जो किस में आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाएगा आपका टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अगर बात करोगे तो यहां क्या है सर, डिजीज क्या देखने को मिल रही है, प्रेजेंट है। अरे भैया जी रिस्क फैक्टर क्या है, डिजीज प्रेजेंट है तो सब कुछ प्रेजेंट है, और कॉम्प्लिकेशन भी क्या है इसमें प्रेजेंट है। अरे कॉम्प्लिकेशन आ चुका है तो हमारा टारगेट क्या है, अरे टारगेट हमारा देखने को मिलता है डिसेबिलिटी को लिमिट करना। अरे डिसेबिलिटी को क्या करो, लिमिट करो, डिसेबिलिटी को लिमिट करना, और मरीज को क्या करना, रिहैबिलिटेशन करना, डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना और रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम चीजें कहां आती है, टर्शरी में। अरे ऑल टाइप ऑफ सर्जरी, ऑल सर्जिकल प्रोसीजर किस में आएगा, टर्शरी में। रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी वगैरह कहां आते हैं, टर्शरी में। ये तमाम चीजें आपके बहुत बड़ा टॉपिक जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन था मैंने आसान भाषा में निकाला, अब उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने ढंग से सुना होगा। पहले में किसको रोकना, रिस्क फैक्टर, दूसरे में बीमारी, तीसरे में कॉम्प्लिकेशन और चौथे में डिसेबिलिटी को, चलेगा। उधर पहले में हेल्थ एजुकेशन काम में लेंगे, दूसरे में भी हेल्थ एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तीसरे में है अर्ली डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट, और लास्ट में डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। अब एक बच्चा पूछ रहा आइसोलेशन किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। आइसोलेशन कौन से में जाता है, सेकेंडरी में जाता है। और क्वारंटाइन किस में जाता है, अरे भैया जी क्वारंटाइन तो क्वारंटाइन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जाता है, क्वारंटाइन प्राइमरी में जाएगा, आइसोलेशन सेकेंडरी में जाएगा। बोलो भगत और भगवान की जय, चलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, किसको रोकना, रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू डिजीज, और रिस्क फैक्टर को रोकना प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। बीमारी को रोकना प्राइमरी, बीमारी का इलाज करना सेकेंडरी, कॉम्प्लिकेशन को रोकना टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्तों, ध्यान से पढ़ें, पहचाने परखें और फिर जवाब दें। सी जवाब आया आप सब लोगों का, ए पेशेंट हैज द पीपीडी स्किन टेस्ट मोंटेक्स टेस्ट कर रहे हो, द नर्स यू टेल द रिपोर्टेड बैक। ध्यान रखिएगा एक मरीज है जिसमें टीबी के लिए की जाने वाली जांच है, अरे ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाने वाला हाइपर सेंसिटिविटी या सेंसिटिव टेस्ट है जिसमें काम में लेते हैं पीपीडी प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.1 ml इंट्राडर्मली लगाया जाता है 15 डिग्री के एंगल से मरीज के, अरे कौन से लगाते हैं, कौन से हाथ में, तो जवाब देना नॉन डोमिनेंट में, नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाया जाता है। अरे कौन से हाथ में लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाएंगे। कौन से हाथ में लगाएंगे सर, नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करते हैं तो मरीज के अंदर वापस से रिपोर्ट कब देखोगे, सर रिपोर्ट देखी जाती है 48 से लेकर के 72 घंटे में, और एक ही जवाब बोल दिया जाता है तो क्या देखने को मिलता है, 72 घंटे। एक ही जवाब देखने को क्या मिलता है, तो जवाब देने को मिलेगा 72 घंटे वाला कंसेप्ट है। एक ही जवाब पूछ लिया जाए तो जवाब क्या देना है, 72 आवर्स में देखेंगे, चलेगा। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि लेस देन 5 mm मार्किंग बन जाए तो उसे रिजल्ट को नेगेटिव रिजल्ट बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी भी मरीज में 6 से 9 mm बन गया तो उसे डाउटफुल बोल दो, अरे उसे क्या बोल दो मेरे दोस्तों, डाउट, डाउटफुल के नाम से बोल दो। और अगर मोर देन 10 mm या मोर देन 10 mm आ गया, दैट इज इंक्लूड इन द पॉजिटिव रिजल्ट, और उसे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल देंगे। अरे उसे क्या बोल दोगे सर, उसे पॉजिटिव बोल दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। अगर आपको बोल दिया जाए 15 या मोर देन 15 mm तो बोल सकते हो नो नाउ रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अरे क्या बोल सकते हो, नो नाउ रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, नो नाउ रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 15 के ऊपर। सर इसको कंफर्मेटरी क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि इसमें रिजल्ट फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव आता है, अरे सच्चा और झूठा दोनों रिजल्ट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या देखने को मिलता है सर, इसमें फाल्स पॉजिटिव भी आता है। फाल्स पॉजिटिव का मतलब झूठा पॉजिटिव, यानी मरीज पॉजिटिव है ही नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। दूसरा इसमें सर फाल्स नेगेटिव भी देखने को मिलता है, और
फाल्स नेगेटिव। अरे क्या देखने को मिलता है, फाल्स नेगेटिव का मतलब झूठा नेगेटिव। झूठा नेगेटिव वाली कंडीशन का मतलब मरीज को टीबी है लेकिन टीबी आया नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक लाइन याद करनी है कि जब भी मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देखने को मिले, वेन अवर पेशेंट आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देन ऑलवेज, अरे तो हमेशा उसको क्या करो, देन ऑलवेज कंसिडर्ड फाइव या मोर देन 5 mm पॉजिटिव। अरे उसे हमेशा क्या मानना है, 5 या 5 mm से ऊपर पॉजिटिव मानना है, 5 या 5 mm से ऊपर क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फाल्स पॉजिटिव का मतलब झूठे पॉजिटिव कब आए, जब मरीज को BCG लगा रखा है तो BCG के कारण 8 से 14 वीक पे पॉजिटिव आना था। चलेगा, ध्यान रखिएगा, हाँ बता देंगे, सारे अपडेट बताएंगे जब मैं पर्सनली कनेक्ट होऊंगा। चलेगा, कल अपन मिलेंगे, तब मैं आपको ये संपूर्ण जानकारी दूंगा क्या क्या अपडेट देखने को मिलेगा। चलेगा, BCG के वैक्सीन के कारण या मरीज को लेप्रोसी हो रखा है, मरीज को क्या हो रखा है, लेप्रोसी तो भी आ जाएगा, या मरीज को पहले टीबी था, अरे कौन सा टीबी था, क्योर्ड हो गया टीबी देखने को मिल रहा है, या आपने 2 डीप इंजेक्शन बहुत गहराई में इंजेक्शन लगा दिया तो भी आ जाएगा, या मेरे दोस्तों आप रिपीटेड टेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। समझ में आई मेरी बात को, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि कोई भी मरीज है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब HIV एड्स है, कैंसर है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है, स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, उन सभी मरीजों को आपको कितने से ऊपर पॉजिटिव कंसिडर्ड करना है, 5 से ऊपर। अभी अपना कितने पे कर रहे थे, 10 से ऊपर, 10 नहीं आया तो हमने बोला नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं था, वो फाल्स नेगेटिव यानी झूठा नेगेटिव था। वहीं पे अपन ने 10 के ऊपर पॉजिटिव मान लिया, लेकिन कुछ कंडीशन में 10 के ऊपर पॉजिटिव नहीं होता है, जैसे कि BCG लगा तो टीबी थोड़ी है, BCG के कारण पॉजिटिव आ रहा है, टीबी नहीं है, BCG के चक्कर में पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा बोल दिया लेप्रोसी, अरे भैया जी माइकोबैक्टीरियम लेप्राइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दोनों सेम टू सेम है। चलेगा, टीबी क्योर्ड वाली कंडीशन देखने को मिल रही है तो भी हो सकता है, अरे 2 डीप इंजेक्शन बड़ी गहराई में घुसेड़ दिया, 15 डिग्री लगाना था, मान लिया, माना ही नहीं मेरी बात को, इतना गहराई में लगा दिया तो दिक्कत हो गई, या रिपीटेड टेस्ट कर रहे हो तो भी दिक्कत हो गई। तो फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव के कारण यह गड़बड़ होती है, और ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आता है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। अरे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस का पूछ लिया जाए, ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या बोलोगे, तो आपका जवाब आना चाहिए स्पुटम माइक्रोस्कोपी। क्या आना चाहिए, स्पुटम माइक्रोस्कोपी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी क्या देखने को मिलता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में काउंट किया जाता है। समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों वो बात। चलेगा, स्पुटम कल्चर नहीं होता, स्पुटम माइक्रोस्कोपी इज ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ द डायग्नोसिस। बहुत बढ़िया, यहां आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 48 से बेहतर, और एक ही ऑप्शन आ जाता है कि 12 24 48 और बेहतर, तो जवाब क्या चला जाता है, बेहतर चला जाता है। फिर अरे अलग से पूछ लेता तो बेहतर अलग से जवाब चला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। और साथ में पूछा है तो साथ साथ में साथ के अनुसार जवाब देंगे। हाँ, CBNET भी किया जाता है, बहुत बढ़िया, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें, पहचाने परखें और फिर जवाब दें। फेलकॉम ट्यूब में सैंपल लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलेगा, कॉन्ट्रासेप्शन एफिकेंसी इज द मेजर वाई, किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन की एफिकेंसी कैसे देखी जाती है, एफिकेंसी बोले तो इफेक्टिवनेस। अरे पहला बोल दिया पर्ल इंडेक्स, जी हाँ सही है,
दूसरा पर्ल इंडेक्स सही है, लाइफ टेबल एनालिसिस ये भी सही है, बढ़िया है। लाइफ टेबल एनालिसिस ठीक है, कपल प्रोटेक्शन रेट ठीक नहीं है, पर्ल इंडेक्स ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोनों में फिर बेस्ट जवाब क्या चला जाएगा? बी। अगर दोनों में अलग अलग पूछ लेता तो लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, अरे लाइफ टेबल एनालिसिस, लाइफ टेबल एनालिसिस, लाइफ टेबल एनालिसिस इज ए बेस्ट मेथड इन कंपैरिजन टू पीआई या पर्ल इंडेक्स, या इसी को 100 वुमन ईयर बोला था, ध्यान रखिएगा, उसकी तुलना में ये अच्छा होता है। उसकी तुलना में लाइफ टेबल एनालिसिस क्या देखने को मिलता है? अच्छा होता है। चलेगा, लाइफ टेबल एनालिसिस का मतलब मंथली डिटेक्ट करो, एक महीने पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे लाइफ टेबल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? लाइफ टेबल एनालिसिस LTA का मतलब होता है कि मंथली एनालिसिस करो, मंथली एनालिसिस करते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे पर्ल इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, शुरुआत में अपन ने 100 औरतों पे इस चीज को एनालिसिस करके पता किया था, अरे 100 वुमन पे काम में लिया था, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है 100 वुमन ईयर, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? 100 वुमन ईयर नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है कि क्या बोला जाता है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन, अरे टोटल वुमन ऑफ एक्सपोजर, और इसको गुणा करना पड़ेगा मंथ से, और मंथ से गुणा करके मल्टीप्लाई किया जाता है 1200 से। अरे मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? 1200 से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर एग्जामिनर तुमसे कभी भी पूछ ले, अगर एग्जामिनर तुम्हें कभी भी पूछ ले कि पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो कितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बोले तो हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, अरे दूसरा बोल दिया, कितनों ने काम में लिया और कितने महीने तक काम में लिया, गुणा 1200 से। सर 1200 कहां से लाए? तो भैया जी साल में महीने होते हैं 12 और भाभी जी थी 100, तो बन गया 1200। वहीं पर अगर इफ क्वेश्चन आस्क या इफ क्वेश्चन गिव हुए नंबरों पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल देन मल्टीप्लाई विद द 1300, ध्यान रखिएगा स्टार बना करके लिख लीजिएगा, इफ अरे क्या बोल दिया, इफ क्वेश्चन गिव नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल देन मल्टीप्लाई 1300, फिर 1300 से गुणा करो, क्योंकि साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने आते हैं? 13, और भैया जी साल में महीने कितने आते हैं? 12, तो महीनों की बात आएगी तो 1200 से गुणा करेंगे, और मासिक चक्र की बात आएगी तो 1300 से गुणा करेंगे। देश और दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए ज्ञात करके बता दोगे? एक दे दूं क्या, एग्जाम्पल लिख दूं? फटाक से जवाब देना है, टुकर टुकर नहीं, अपने मन का लिखना है, ध्यान रखिएगा। अरे अगर क्वेश्चन ने लिख दिया कि जैसे कि अलग अलग दे देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन को सोल्व करो, या अगर आपसे बोल दिया कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, अरे एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हो गई? तो 40 हो गई। अरे वुमन कितनी देखने को मिली थी? तो वुमन लिख लो 600 थी। और भैया जी आपको लिख दिया जाता है टाइम कितना काम में लिया, तो टाइम लिख लीजिएगा 2 ईयर का था, और इसका ज्ञात कीजिएगा पर्ल इंडेक्स। सारे बच्चे रटेंगे नहीं। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि वुमन कितनी थी? सर वुमन थी जैसे कि 260। अरे प्रेग्नेंट कितनी हो गई? प्रेगनेंसी कितनों को मिल गई? 26 को। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने देखने को मिले थे? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखने को मिले थे 13। अरे इसका भी ज्ञात कर लो पर्ल इंडेक्स। फटाक से दोनों का निकाल के बता दो क्या क्या जवाब जाएगा दोनों की लैंग्वेज निकाल के दिखाएगा। लैंग्वेज लिखनी है, कई बच्चों को लैंग्वेज लिखवा सकता हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल रहेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से आएगी, वो मैं आपके यहां छाप देता हूं। जैसे कि पहले की लिख देता हूं कि 600 वुमन यूज एक्स कॉन्ट्रासेप्शन आउट ऑफ 40 गेट प्रेगनेंसी विद इन
टू ईयर्स कैलकुलेट द पीआई या एचडब्ल्यूआई, ऐसी लैंग्वेज हो सकती है। 3.33 किसका है बेटा? पूनम लिखो, पूरा लिखो, वर्षा पूरा लिखो। 30 किसका है? मनीषा ए में 160 आ रही है, बहुत बढ़िया। रितु के 3.3 बताओ, रितु किस में आ रहा है? अभी सही लिख, पूरा लिख बेटा। आरजे ने लिख दिया 3.3 और 10, बहुत बढ़िया। जो भी लिखना है पूरा लिखो, अपने मन से लिखो और तुम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, तुम्हें जितना आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो विश्व में किसी को नहीं आता है। अभी फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूले को आराम से कैलकुलेट करके जवाब दे दो। ऊपर लिखना है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, नीचे लिखना है नंबर ऑफ फीमेल, और भैया जी उसके साथ में उसके मंथ और गुणा करना है। 1200 से अगर महीने है तो, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो गुणा करो 1300 से। चलो सोल्व करके देख लेते हैं कि जैसे कि इसका जवाब क्या जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी? 40। अरे ए वुमन कितनी? 600। महीने कितने हैं सर? 2 साल में 24 महीने। गुणा करो 1200 से, कर दिया सर। 0 से 0, 0 से 0 और 6 से 12 कट गया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 12 बार, चलेगा। तो अब निकल आया भैया जी 40 के बट्टा में 12, फिर से काट दिया इसको 6 बार, इसको काट दिया 20 बार, इसको काट दिया 10 बार, भैया जी इसको काट दिया 3 बार। अरे ये तो क्या निकल आया सर? 10/3, और 10/3 में उत्तर निकल आएगा 3/3, 3, 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 3
क्या देखने को मिल रहा था, तो प्यारे विद्यार्थियों 3.333, दूसरे वाले की लैंग्वेज में क्या देखने को मिला था कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी है, 26 है, बहुत बढ़िया। अरे वुमन कितनी है, 260 है, कोई बात नहीं है। अरे महीने कितने, महीने नहीं सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 13, तो गुणा कर दो 1300 से, कर दिया, जीरो से जीरो कट गया, 1300 से 130 कट गया, 10 बार कटा यानी कटा, 26 से 26 कट गए, उत्तर कितना बच गया 10। ऐसी वैल्यू होती है तब मजा आता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर दोनों में कंपैरिजन कराऊं, ए और बी में फेलियर रेट ज्यादा किसकी, ऑफकोर्स बी वाले मेथड की, अरे बी वाले मेथड की फेलियर रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, सारे बच्चों के निकल गया, आ गया होगा 40, क्या है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, 600 कौन थी औरतें, महीने कितने हैं 24, यहां दो लिखा हुआ है, दो के अंदर अपने को महीने लिखना है, गुणा कर दिया 1200 से, काट छांट की तो उत्तर आ गया 3.33, इधर 26 कहां से आया, 26 एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, टोटल औरतों की संख्या 260, अरे गुणा किया 1300 से, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो गुणा कर दिया 1300 से, काट छांट से आ गया 10, वेल डन। इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस बरकरार रखें और अपने बेहतरीन आंसर पुट डाउन करें, रटना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट लॉजिक रेशनल को खोला जाता है आपके अपने 360 डिग्री सीरीज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला ध्यान से पढ़े, पहचाने परखें और अपना बेहतरीन आंसर पुट डाउन करें। सर मैं बस में बैठ के क्लास, बहुत बढ़िया, यही तो संघर्ष है, वो कहते हैं ना अपनी मंजिल को भुला करके जिए तो क्या खाक जिए, है दम तो उसे पा करके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी और बोल इस किस्मत को की है औकात तो मिटा करके दिखा। तो किस्मत को खुला चैलेंज करो कि तेरे अंदर औकात इतनी नहीं है, हमारे हौसलों में जान है। ये जवाब आ गया, अरे नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, नेचुरल में कौन शामिल नहीं है, अरे नेचुरल में कौन शामिल नहीं है, तो अगर मैं आपको बात करता हूं तो एक नाम आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये वो तरीका है जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, अरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये वो मेथड है जिसके माध्यम से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। एक नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं टेम्परेली,
ठीक है साहब। दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं परमानेंट, अरे दूसरे नंबर पे परमानेंट। और तीसरे नंबर पे जो मेथड आता है उसे बोला जाता है इमरजेंसी, अरे तीसरे नंबर का जो मेथड आता है उसे क्या बोला जाता है, इमरजेंसी बोला जाता है। टेम्परेली के अंदर जो पहला नाम आता है, पहला टेम्परेली, टेम्परेली के अंदर पहला नाम आता है नेचुरल। ध्यान रखिएगा टेम्परेली को ही अपन रिवर्सिबल बोल सकते हैं, टेम्परेली को ही क्या बोला जा सकता है, रिवर्सिबल बोला जा सकता है, चलेगा रिवर्सिबल बोल सकते हैं। इस परमानेंट को क्या बोला जा सकता है, इररिवर्सिबल बोलोगे, अरे इररिवर्सिबल बोला जाता है। और इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन, मेडिकल स्टोर बंद थे, सामने वाले की अनुमति थी और मौके पे चौका मारा है और गड़बड़ हो गई, हाय 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 भावनाओं में पिघल गए। उसने बोला था मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, तो बेचारे ने मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो इजहार के बाद भैया जी अरे दर दर की ठोकरें खाने लगा और भटकने लगा, और भटकते भटकते कहां पहुंच गया, कॉन्ट्रासेप्शन में वापस। चलेगा, एक टेम्परेली का टाइप है नेचुरल, नेचुरल के बाद दूसरा टाइप आता है जिसे बोलेंगे बैरियर, और बैरियर के बाद तीसरा मेथड आता है जिसको बोला जाता है हार्मोनल, अरे क्या बोला जाता है, हार्मोनल बोला जाता है। और चौथा आखिरी कौन सा होता है, आईयूसीडी होता है, अरे आईयूसीडी चौथा मेथड देखने को मिलता है। ये चार मेथड देखने को मिलते हैं, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोलता हूं कि तुम, अरे तुम क्या करना, तुम सावधानी रखना, याद रखिएगा। नेचुरल में पहला नाम, देखो समय का अभाव है छोटे छोटे लिखूंगा, पहले का नाम है कोइटस इंटरप्टस, या इसी को बोला जाता है विड्रोल मेथड। दूसरे नंबर पर आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब भाभी जी तापमान चेक करेगी। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, जिसको अपन बोलते हैं बिलिंग मेथड, जो नाम बोल बोल के लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा। पांचवें नंबर पे देखने को मिलता है जिसे बोलते हो सेफ पीरियड, या जिसे बोलते हो कैलेंडर मेथड, या जिसे बोला जाता है रिदमिक मेथड, क्या बोला जाता है, रिदमिक मेथड। नेक्स्ट इन तीनों का जो सामंजस्य होता है, इन तीनों का आपस में मिल जाना कहलाता है सिंपेथोथर्मिक मेथड, अरे क्या कहलाता है, सिंपेथोथर्मिक मेथड कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसके बाद में पांचवा देखने को मिलता है लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, और छठा लास्ट बट नॉट लीस्ट एब्स्टिनेंस देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, एब्स्टिनेंस। सीक्वेंस कंप्लीट करा रहा हूं, इतना कोई कंसेप्ट नहीं देगा मेरे दोस्तों यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं उन सबके मुंह पे ताले जड़ दूंगा जो कहते थे कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं निकलता। टेम्परेली का मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको जब चाहेंगे रोक लेंगे, यानी रिवर्सिबल कहलाएगा। रिवर्सिबल का पहला नेचुरल, प्रकृति एक रुपया भी खर्च नहीं किया। कोइटस इंटरप्टस का मतलब मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स करते रहेंगे, पारी खेलते रहेंगे, अचानक से क्या करेगा, मेल पार्टनर अपने आप को विड्रोल कर लेगा और बाहर इजेकुल आउट कर देगा, दैट इज कॉल्ड कोइटस इंटरप्टस या विड्रोल मेथड। दूसरा बेसल बॉडी टेम्परेचर, फीमेल अपना तापमान चेक करेगी और ओवुलेशन वाले टाइम 0.32-0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फेरेनहाइट उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो समझ लेना ओवुलेशन हो गया, का कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, किसका टेम्परेचर बढ़ने का कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तीसरा सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड, फीमेल अपनी सर्विस की म्यूकस की थिकनेस देखेगी, गाड़ी गाड़ी हो गई समझ लेना ओवुलेशन हो गया, और ओवुलेशन हो गया तो मेहरबानी ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की थिकनेस के कारण हुआ है, चलेगा। नेक्स्ट लिख दिया भैया जी सेफ पीरियड, सेफ पीरियड यानी पहला और लास्ट वीक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेफ है, दूसरा और तीसरा अनसेफ है, उसी को कैलेंडर मेथड, उसी को रिदमिक बोला, रिदम का मतलब गैप पड़ गया। इन तीनों को मिलाया तो नेचुरल का सबसे बढ़िया टाइप निकल के आया, एसएम टीएम का मतलब सिंपेथोथर्मिक मेथड। नेक्स्ट लिखा लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, मां अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस वाला एब्स्टिनेंस, इंटरकोर्स ही मत करो, बहुत बढ़िया। अब बैरियर मेथड आ गया, बैरियर का दूसरा नाम होता है ओकलजीव, अरे बैरियर का दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ओकलजीव बोला जाता है, ओकलजीव मेथड बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बैरियर में पहला नाम आता है जिसे बोला जाता है फिजिकल बैरियर, बैरियर का पहला नाम है फिजिकल एरियर, जिसमें नाम आएगा मेल कंडोम और फीमेल कंडोम, अरे जिसके अंदर नाम क्या देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल कंडोम्स देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मेल वाला लेटेक्स का बना होता है जिसमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, पेनिस का इरेक्शन चाहिए और एसटीडी से प्रिवेंट करेगा, एक रिंग बनी होती है 2 से 14 पर इंडेक्स होती है। दूसरा फीमेल वाले का स्पेशल मार्केट में नाम है फेमिडोम, जो नाम का जिक्र किया था एमडी लेसे असल नाम के साइंटिस्ट ने, जिसमें 2 रिंग बनी होती है, इंसर्ट करने से पहले लुब्रिकेशन चाहिए, रीयूजेबल होता है और एसटीडी से प्रिवेंट करता है। एकमात्र कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो एसटीडी से प्रिवेंट करता है वो होता है मेल कंडोम और फीमेल कंडोम, अरे कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, मेल कंडोम और फीमेल
फीमेल कंडोम चलेगा। दूसरा इसके फिजिकल के बाद दूसरा नाम निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल। केमिकल के अंदर कुछ टेबलेट है, जेली है, सपोसेटरी है, क्रीम है, पाउडर है, लोशन है, ये काम में लिए जाते हैं। डीप इनसाइड द वेजाइना और प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन WHO बोलता है इसके कारण फीमेल में इरिटेशन होता है, तो मत काम में लो। लास्ट मेथड इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं वेजाइनल स्पंज और डायफ्राम, अरे बोले तो कंबाइंड, अरे जिसे क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, कंबाइंड बैरियर मेथड, जिसे क्या बोला जाता है, कंबाइंड बैरियर मेथड बोला जाता है। और कंबाइंड बैरियर में एक नाम आएगा जिसे बोल देंगे वेजाइनल स्पंज, और उसका मार्केट में फेमस नाम है टुडे, और टुडे में भरे हुए हार्मोन का फेमस नाम है नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे कौन देखने को मिलता है नॉन ऑक्सिनोल 9, अरे जस्ट बिफोर इंटरकोर्स इसे डीप इनसाइड द वेजाइना लगाते हैं, मिनिमम 6 घंटे रखेंगे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगले वाला नाम आता है जिसे बोलते हैं डायफ्राम, और डायफ्राम का ही दूसरा नाम है डच केप, और डच केप का ही तीसरा नाम है सर्वाइकल केप। सर इसे भी डीप इनसाइड द वेजाइना जस्ट बिफोर इंटरकोर्स लगाया जाता है, मिनिमम 6 घंटे रखेंगे, 24 घंटे से ज्यादा रख दिया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। दूसरा टाइप भी खत्म हुआ। तीसरा हार्मोनल मेथड है, और हार्मोन फीमेल को किस प्रकार से दिया जाता है, अरे पहला हार्मोनल मेथड हो जाएगा ओरल होगा, ओरल के बाद कैसे देंगे, इंजेक्टेबल देंगे। इंजेक्टेबल के बाद कैसे दे सकते हैं सर, इम्प्लांट के माध्यम से दे सकते हैं। इम्प्लांट के बाद कैसे दे सकते हो, तो वेजाइनल रिंग के माध्यम से दे सकते हो, और लास्ट में कैसे दे सकते हो, स्किन पे पेच लगा सकते हो। अरे क्या लगा सकते हो, स्किन पे पेच लगा सकते हो। रियली आज गूगल अगर ना बोल देना कि मुझे हैंग करवा दिया, तो ये मेरी गारंटी है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, ओरल मेथड के अंदर कंबाइंड ओसीपी दी जाती है, मुझे समय का अभाव है तो तेजी से बोलना पड़ेगा, लेकिन टॉपिक को बचा के रख दूंगा, और स्लाइडों वालों को खुला चैलेंज रहेगा कि अब मार्केट में स्लाइडें नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मेरे गूगल स्टूडेंट अब कंसेप्ट लॉजिक रैशनल की बात करने लगे हैं। चलेगा, अगर सेशन पसंद आता है और लिरिंग्स की बढ़ाई गई बैंड का परिणाम ला सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में बढ़ते हुए आंकड़े को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अलग अलग प्रकार की आती है, ओरल रूट से हार्मोन देंगे, हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम में लिया जाता है। ओरल रूट से मरीज को देते हैं, नाम आता है कंबाइंड ओसीपी, जिसका नाम है डवा भैया जी माला एन माला डी। माला एन में इथाइल एस्ट्रोडियल 0.03 mg आता है, या भैया जी ही, इसके अलावा डी का मतलब डी रे, डीजे गेस्ट्रोल में सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन आती है, जिसका डोज 0.15 mg या 150 माइक्रोग्राम होता है। माला डी के 3 रुपए देने पड़ते हैं, माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। माला एन एन का मतलब नॉर्जेस्ट्रोल हार्मोन होता है, बाकी सेम टू सेम चीज है। शुरुआती 1 से 5 दिन में स्टार्ट कर देनी होती है, और याद रखिएगा नाइट टाइम में लेनी होती है, मिस नहीं करनी है। अगर एक दिन भूल जाओ तो दूसरे दिन 2 ले लेना, 2 भूल जाओ तो तीसरे दिन जांच कराना, फिर दूसरा मेथड काम में लेना, ये नहीं लेना। एस्ट्रोजन के कारण कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इन चीजों को जरूर देखें। ओसीपी के कारण मरीज में सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जैसी संभावनाएं हो जाती है, तो उनमें नहीं देने की कोशिश करें। यह संपूर्ण हो गई कंबाइंड ओसीपी के बारे में। इसके अलावा नाम आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसका नाम होता है लिवेनोर्जेस्ट्रोल 1.5 mg टेबलेट होती है। वो मरीज जिसमें एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेट है, उसे प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट दी जाती है, अन्यथा नहीं देते हैं। एक नाम आता है कैंथ्रोमन सहली छाया, जिसमें हुआ है केमिकल होता है ऑर्मेलोजेफिन, 30 mg का डोज है, हफ्ते में 2 बार और 3 महीने बाद हफ्ते में 1 बार देते हैं, तो उसी को वन से वीक पिल नाम से जाना जाता है। यह जानकारी होगी ओरल रूट से दिए जाने वाले संपूर्ण के संपूर्ण। चलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे लग रहा है कि यह सारे के सारे संपूर्ण के संपूर्ण डोज कैसे दे दिए ओरल से। नेक्स्ट आ गया इंजेक्टेबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर अगर बात करें, तो पीसीओडी की ड्रग ऑफ चॉइस है। अरे ये फाइब्रोएडिनोमा और ब्रेस्ट में अच्छा काम करेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में अच्छा करेगा, अब ये जी ओवेरियन सिस्ट में करेगा, इन सब में बेनिफिशियरी इफेक्ट होता है, प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश तो जरूर करता है। नेक्स्ट इंजेक्टेबल में दिया जाने वाला मेथड होता है डंपा और नेटन। कौन-कौन से होते हैं डंपा और नेटन होते हैं, डंपा की फुल फॉर्म होती है डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और ध्यान रखिएगा कितना डोज होता है, 150 mg का डोज होता है, 3 महीने इफेक्टिव देखने को मिलता है, सिंगल वन डोज इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, डीप इनसाइड द वेजाइना लगाया जाता है। अरे ये डीप इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा डेल्टॉइड मसल में लगाएंगे। दूसरा देखने को मिलता है नेटेन की फुल फॉर्म होती है नोरेथियास्टोन एनेनेट लगाया जाता है, 200 mg का डोज होता है, 2 महीने इफेक्टिवनेस होती है, IM लगाया जाता है, डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और भैया जी डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं, जिसका साइड इफेक्ट होता है बैक थ्रो ब्लीडिंग। अरे क्या होता है, बैक थ्रो ब्लीडिंग देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे पड़ोसी को बोलो कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। इम्प्लांट में सर इसमें लगाया जाता है नॉरप्लांट, या इम्प्लांट की नाम होता है, अरे इनको जो इंजेक्शन लगा रहे थे उनको डिपोर्ट बोलते हैं, इम्प्लांट का मतलब होता है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट में सिलिस्टी की रोड होती है, 6 रोड है तो उसे नॉरप्लांट बोलते हैं, 5 महीने इफेक्टिव है, 5 साल इफेक्टिवनेस है, और ईच रोड में 35 mg डोज भरा हुआ है। डिसएडवांस है यही है कि लगाने में और निकालने में दोनों में ऑपरेशन करना है। दूसरा नॉरप्लांट R2 है, 3 साल इफेक्टिवनेस है, और इसमें 2 ही रिंग होती है, और दोनों रिंगों में 75 mg भरा रहता है। वेजाइनल रिंग का
का फायदा यह है कि ये तीन हफ्ते तक अंदर रखनी है। अरे तीन हफ्ते अंदर रखनी है, जस्ट बिफोर लगा दो, जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगा दो और जस्ट बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल निकाल दो। ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि रीयूजेबल है। स्किन पे, हेयरलेस एरिया पे जहां चमड़ी पे बाल नहीं है वहां लगा दो और यह हार्मोन रिलीज करती रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे आयुसीडी बोला जाता है, जो तीन जनरेशन की आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में कुछ नहीं है, एग्जांपल है लिपस लूप और ग्राफेनबर्ग रिंग। ध्यान रखिएगा, जो इतनी क्वालिटी की नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपल्शन वाली कौन सी है? लिपस लूप। फर्स्ट डिस्कवर्ड आयुसीडी का नाम लिपस लूप। सेकंड जनरेशन में कौन सी होती है? सर मेडिकेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। और जिसके देश और दुनिया के जितनी कोई कॉपर्टी होती है वो सारी कॉपर्टी सेकंड जनरेशन में आती है। चाहे कॉपर्टी 200 220 आ जाओ, 380 आओ, मल्टीलोडेड आओ, मल्टीलोडेड वगैरह, ये सारी किस्में आती है सेकंड जनरेशन। थर्ड वाली हार्मोनल होती है। थर्ड वाली ही कौन सी देखने को मिलती है? थर्ड वाली हार्मोनल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तो सबसे बढ़िया कौन सी? थर्ड वाली, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, लिवेनोजेस्टेरोन है, मिरिना है, नोवाटी है, ये थर्ड ही थर्ड में आएगी। चलेगा, यहां बोल दिया परमानेंट मेथड में दो मेथड काम में लिए जाते हैं। मेल पार्टनर में क्या काम में लेंगे? वासेक्टमी। फीमेल पार्टनर में ट्यूबेक्टमी। और ट्यूबेक्टमी के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे कि कट कर दो, कोक कर दो, कोटराइजेशन कर दो, पोमिरोज कर दो, ऊपर से बांध दो, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, मेल पार्टनर में वासेक्टमी करते हैं और वासेक्टमी के बाद बोल देना 3 महीने 30 या 90 दिन तक दूसरा मेथड काम में लेना, अन्यथा वरना बैंड बज जाएगा तुम्हारा। लास्ट में इमरजेंसी में हार्मोनल पिल देनी है तो बेहतर घंटे के अंदर अंदर दे दो। अगर इसमें आपने हार्मोनल पिल देनी है, ध्यान रखिएगा क्या बोल दिया मैंने, अगर यहां आपको हार्मोनल पिल देनी है तो बेहतर घंटे के अंदर अंदर दे दो, ध्यान रखिएगा। और आयुसीडी लगानी है तो आयुसीडी 5 दिन के अंदर अंदर लगा देनी होती है। यहां अगर आपसे पूछे इस आयुसीडी लगाने का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बेस्ट टाइम है फर्स्ट वीक आफ्टर द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगाना बेस्ट टाइम होता है, या बोल दो 7 to 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या बोल दो फर्स्ट 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगाना है। नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिनों के अंदर और सीजरिन में 7 दिनों के अंदर लगानी होती है। और ट्यूबेक्टमी अगर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कब करवानी चाहिए, तो बच्चे पैदा होने के 12 से 24 घंटे बाद से लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर ट्यूबेक्टमी करवानी होती है। बोलो भगत और भगवान की जय। अरे क्या करेगा गूगल, ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो ऑफलाइन में 10 से 12 घंटे का होता है, मेन मुद्दे के साथ में आपके सामने लपेट के रख दिया। क्लियर है? रटना नहीं है मेरे दोस्तों, एक ही चीज तुमसे मांगता हूं, वो है कि रटना छोड़ दो, कंसेप्ट लॉजिक रेशनल की बात करो। गारंटी है कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। मैं हमेशा बोलता हूं 360 डिग्री से मच मोर सफिशियंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया एंड एब्रॉड। और जो मैं अपनी गले की बैंड बजा रहा हूं ना, जिस दिन तुम सिलेक्शन निकाल के लाओगे उस दिन ये टकाटक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 1 घंटे में 10 घंटे का मैटर देना, मैं धीरे धीरे भी बोल सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में वो आग दिख रही है जो इस बार पूरे नर्सिंग क्षेत्र में भूचाल मचा के दिखाएगी कि हम किसी से कम नहीं है। वो कहते ना, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, तो एग्जामिनर को कह दो अपनी औकात में रहे। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनल बोल दो, आखिरी बोल दो, स्टेलाइजेशन बोल दो, परमानेंट बोल दो, इरिवर्सिबल बोल दो, वो होता है मेरे दोस्तों ये वाला। बेसल बॉडी टेम्परेचर होगा, सर्वाइकल है, सिंपेथोथर्मिक है, तो ये तो सब कुछ होता है, कौन सा नहीं होता है वो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला, सिलेक्शन जरूर नहीं, 101% होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, बस अपने जोश जुनून पागलपन को बरकरार रखना। जितना एक कॉन्ट्रासेप्शन में रेशनल दिया, इतने में तो लोग 4 घंटे की अपनी क्लास निकाल देते हैं धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चन में सारी चीज को लिख लिख करके। सी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियली कैंडिडेट फॉर द कॉपर्टी इंसर्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कॉपर्टी लगाने के लिए सारे मरीज सूटेबल है हमारे लिए छोड़ करके। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर्टी के अंदर पहला बोल दिया कि एज बोर्न एटलीस्ट 1 child, सही बात है। विलिंग टू चेक द टेल, सही बात है। हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉपर्टी के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेन, और तीसरे नंबर पे आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चौथे नंबर पे आती है पीआईडी, पांचवें नंबर पे देखने को मिलता है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन,
और लास्ट में एक नाम बोल सकते हो जिसे बोल सकते हो यूटेराइन परफोरेशन, यूटेराइन परफोरेशन, अरे क्या बोल सकते हो यूटेराइन परफोरेशन, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन रिमूव करने के लिए कौन होता है, पेन होता है। ध्यान रखिएगा, रिमूव करने के लिए कौन होता है, पेन। तो इसके तीर एक यूं लगा सकते हो, एक यूं लगा सकते हो। रिमूव करने में मोस्ट कॉमन पेन, सेकंड मोस्ट ब्लीडिंग, अरे साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, पेन है। ये वाली सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चा पाइपलाइन में पिछली बार भी फंस गया था और फंस गया तो दिक्कत हो सकती है। सावधानी रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये वाली चीज को आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा करके रखनी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अब आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, सर ये कॉपर टी काम कैसे करती है, कॉपर टी पे बेरियम सल्फेट लगा होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉपर टी पे क्या होता है, बेरियम सल्फेट की एक लाइन होती है जो हमें एक्सरे में दिखती है, कौन सी है, BSO4, अरे BSO4 की लाइन होती है जो एक्सरे में विजुलाइज होती है। सर कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, OCP तो नेगेटिव फीडबैक बोले तो ओवुलेशन को रोकती है, ये कैसे काम करेगी, तो लिख लीजिएगा सर, एक तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को बढ़ाती है, चलेगा। दूसरा ये यूट्रस को क्या कर देती है, अनफेवरेबल बना देगी, अरे क्या बना देगी, यूट्रस को अनफेवरेबल बना देती है। तीसरा ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है यूटेराइन बॉडी को, अरे यूटेराइन बॉडी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और चौथे नंबर पे क्या करती है सर, ये प्रिवेंट करती है किसको, इम्प्लांटेशन को, प्रिवेंट किससे करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी और ये सारे के सारे काम करती रहती है कौन, कॉपर्टी। कॉपर्टी अगर पूछे तो पहला क्या हो गया, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ गई, तो स्पर्म अंदर गया ही नहीं, यूट्रस को अनफेवरेबल बना दिया तो बच्चा टिका ही नहीं, ब्लॉक द यूटराइन बॉडी तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन तो जो फर्टिलाइज हो गया वो वापस आया ही नहीं। ये आपके होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे, चलेगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां क्या चला गया, सी चला गया। इसी के साथ में मेरे दोस्तों इस सेशन को करते हैं अपन समापन, और एग्जैक्टली 3 मिनट बाद वापस से पूरे जोश जुनून आपके अपने दिलों की धड़कन मिटरल वाल में बसने वाली नर्सिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी सीरीज 360 डिग्री सीरीज के अंदर पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ में, जहां नर्सिंग के 30 के 30 सब्जेक्टों को उनकी औकात दिखाई जाती है पूरे अच्छे वाले कंसेप्ट के साथ में। तो तैयार रहेगा पूरे जोश जुनून के साथ में। यह आंकड़ा एग्जैक्टली मुझे वेटिंग आंकड़े में मेंटेन होना चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि यहां 360 डिग्री का प्यार दुनिया में सबसे अलग है, दुनिया में सबसे अमिट है। अच्छे से पढ़ते रहेगा, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहेगा, क्योंकि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर ये सेशन लगा अच्छा, और अभी तक जिस बच्चे ने नहीं की है क्लास को लाइक एंड शेयर, तो मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर दबाइएगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आज के सेशन में गूगल कैसा हैंग हुआ। एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट बाद मिल रहे हैं 360 डिग्री सीरीज के साथ में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।